इस T20 सीजन My Team 11 पर रोज खेलो और जीतो करोड़ों में. डाउनलोड द My Team 11 ऐप नाउ. दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की. प्ले रिस्पॉन्सिबली. और अब झालावाड़ से बड़ी खबर आ रही है. आपको बताएं कि तांत्रिक ने 3 साल के बालक के सीने पर तलवार मारी है. तलवार से जख्मी हुआ 3.5 साल का बालक कर्मवीर नाम उसका बताया जा रहा है. घायल अवस्था में परिजन लाए झालावाड़ अस्पताल. उसे असनावर के मदनपुरा पहाड़ी पर माताजी मंदिर की यह घटना बताई जा रही है, जहाँ तांत्रिक क्रिया के दौरान बच्चा चबूतरे पर चढ़ गया था. तांत्रिक विजेश रेबारी एमपी के मंदसौर जिले का रहने वाला है. परिजन गए थे किसी कार्यक्रम में मंदिर पर, इसी दौरान ये घटना हुई और तांत्रिक ने बच्चे को तलवार मार दी बच्चे के सीने में. परिजनों ने असनावर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन ये वही बच्चा जो गंभीर रूप से घायल हुआ है. महज 3 साल, 3.5 साल इसकी उम्र बताई जा रही है. रोता बिलखता ये बच्चा आप देख रहे हैं. तांत्रिक की बेरहमी आप देखिए. आरिफ, मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे. आरिफ, पूरी घटना क्या रही है? आरिफ, अगर आवाज मिल रही हो तो इस घटना के संबंध में जानकारी दीजिएगा. अभी फिलहाल बच्चे की स्थिति कैसी है? तो चलिए एक बार फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे आरिफ से. लेकिन ये देखिए, छोटा सा मासूम जिस पर तांत्रिक की बेरहमी देखने को मिली है. तलवार से तांत्रिक ने हमला किया है इस बच्चे पर और इस बच्चे के परिजन इसको अस्पताल लेकर पहुंचे और साथ ही साथ आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया है. आरिफ, मेरे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं. आरिफ, मेरी आवाज मिल रही हो आपको तो बताइएगा फिलहाल पूरी घटना और साथ ही साथ बच्चे की स्थिति क्या है. देखिए दीपिका, ये निहायत ही शर्मसार करने वाली घटना है, जहाँ एक तांत्रिक ने एक बच्चे को इतनी सी बात पे घायल कर दिया कि जब तांत्रिक के माताजी का उसके जो शरीर में माताजी बता रहे माताजी आ रही थी, दौरान बच्चा असनावर के एक मदनपुरिया पहाड़ी पर माताजी है वहां पर चबूतरे पर चढ़ गया. चबूतरे पर चढ़ना ही तांत्रिक को इतना नागवार गुजरा कि बच्चे को पकटक कर उसके शरीर पर कई तलवार से हमला कर दिया. कई जगह चोटें भी आई, बच्चे गंभीर हालत में उसको झलाड़ के एसआरजी अस्पताल भिजवाया गया जहाँ बच्चे का इलाज जारी है. बात कर रहे हैं तो परिजनों ने असनावर थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है, लेकिन पूरे सारे मामले पर पुलिस लीपापोती करने में जुटी है. बड़ा मामला है तांत्रिक को जो लगातार नवरात्र में 9 रोज तक असनावर के पास मदनपुरिया पहाड़ी पर जो माता जी का मंदिर है वहाँ तांत्रिक आता है. एमपी निवासी है तांत्रिक, वो तंत्र क्रिया करता है. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी उस मंदिर पर पहुंचते, पूजा अर्चना करते हैं, अन्य कार्यक्रम करते हैं. इसी दौरान ये परिवार वहां पर गया था जिस तांत्रिक को, इस दौरान तांत्रिक ने सारी घटना को अंजाम दिया. हालांकि गाँव वालों का काफी रोष भी है, जिस तरह इस बच्चों को घायल किया उसका कई लोगों में नाराजगी भी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि तांत्रिक ने अपने फायदे के लिए कहें. चलिए ठीक है आरिफ, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए. फिलहाल बच्चे का इलाज किया जा रहा है, अस्पताल बच्चे को लेकर जाया गया है और यहाँ वक्त हो गया.